बॉलीवुड के सिंघम यानी कि अजय देवगन ने इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक हिट मूवीज दी हैं। अजय ने यह 1991 में फिल्म फूल और कांटे के साथ बड़े पर्दे पर अपनी शुरुआत की थी। आज अजय ने बॉलीवुड में अपने पूरे 30 साल कर लिए हैं। उनकी इस उपलब्धि पर अमिताभ बच्चन ने उनकी तारीफ करते हुए उन्हें बधाई दी है। अमिताभ बच्चन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने अजय की फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल पूरे होने का जिक्र करते हुए उन्हें बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने उनके लिए एक प्यार भरा संदेश भी लिखा है। बिग बी ने पोस्ट में लिखा है, अजय देवगन ने 22 नवंबर को फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल पूरे कर लिए हैं। जब उनकी फिल्म फूल और कांटे रिलीज हुई थी, हमेशा शांति से बात करने वाले और अभी भी पूरे जोश से भरे हुए अजय को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। वहीं बॉलीवुड में अपने 30 सालों के सफर पर अजय देवगन कहते हैं कि वो अब अगले 30 सालों के लिए वार्म हो रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनको उनका एक क्रू मेंबर ये कह रहा है कि सर आपको बहुत बहुत बधाई। इस पर अजय पूछते हैं कि बधाई क्यों, फिर वो कहता है कि सर 30 साल बॉलीवुड में पूरे होने के लिए। इस पर अजय कहते हैं कि मैंने अभी तो बस वार्म अप स्टार्ट किया है। इसके बाद अजय कहते हैं, खत्री दुआ में याद रखना, और इसके बाद वो फिर से वार्म अप करने लग जाते हैं। अब अजय देवगन को भले ही बॉलीवुड में 30 साल हो गए हैं लेकिन उनके अंदर फिल्में करने का जुनून आज भी कायम है। आने वाले समय में अजय देवगन के पास फिलहाल 6 फिल्में हैं जो यह 2021 से 2022 तक में रिलीज होंगी, जिस बात का सबूत है कि 30 सालों के बाद भी वो किस कदर अपने काम को लेकर फोकस्ड हैं। अजय देवगन ने एक्शन कॉमेडी से लेकर रोमांटिक फिल्मों में भी काम किया है और ये उनकी एक्टिंग स्किल ही है जिसकी वजह से उन्हें दर्शकों ने काफी पसंद किया है। बात करें अगर फिल्म फूल और कांटे की तो डायरेक्टर कुकु कोहली की इस फिल्म में अजय ने डॉन नागेश्वर के इकलौते बेटे का किरदार प्ले किया था जो अपने पिता के गोरख धंधों के खिलाफ रहता है। आपको बता दें कि इस फिल्म में अजय के अलावा मधु, अमरीश पुरी, रजा मुराद, अंजना मुमताज, जगदीप, सत्येन कपूर यानी सत्येंद्र कपूर और अरुणा ईरानी भी अहम भूमिका में थे। फिल्म को रिलीज हुए आज 30 साल हो गए हैं और इन 30 सालों में इसकी स्टार कास्ट काफी बदल चुकी है। इतना ही नहीं, कई अहम एक्टर्स तो अब इस दुनिया में भी नहीं हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म फूल और कांटे में अजय के साथ काम करने वाली लीड एक्ट्रेस मधु की। मधु ने भी इस फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा था। ये फिल्म सुपरहिट रही थी तो पहली ही फिल्म से मधु को भी स्टार स्टेटस मिल गया था। इसके बाद भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया लेकिन फिल्म फूल और कांटे वाला स्टारडम उन्हें किसी और फिल्म में नहीं मिला, जिसके चलते वो धीरे धीरे पर्दे से गायब होने लगी। हिंदी फिल्मों से लगभग 10 साल तक दूर रहने के बाद हाल ही में मधु कंगना रनौत और अरविंद स्वामी स्टार फिल्म थलाइवी में भी दिखी थी। फिल्म में मधु ने MGR बने अरविंद स्वामी की पत्नी जानकी रामचंद्रन का रोल प्ले किया था। मधु अब भले ही 52 साल की हो चुकी हो लेकिन उनकी खूबसूरती आज भी ज्यों की त्यों है। वहीं फिल्म की स्टार कास्ट अरुणा ईरानी इन दिनों फिल्मों के अलावा टेलीविजन की ओर भी रुख कर चुकी हैं। रजा मुराद का लुक भी अब पूरी तरह से बदल चुका है, वो आज भी सिनेमा में सक्रिय हैं। वहीं फिल्म फूल और कांटे में अमरीश पुरी ने अजय के गैंगस्टर पिता का रोल निभाया था। अजय और अमरीश के किरदारों की समीकरण भी कहानी का अहम हिस्सा थी। फिल्म में अमरीश पुरी के किरदार की भी खूब तारीफ हुई थी। हालांकि अमरीश अपनी इस फिल्म के 30 साल पूरे होने के जश्न को सेलिब्रेट करने के लिए नहीं रहे। आपको बता दें कि अमरीश पुरी 12 जनवरी साल 2005 को 72 वर्ष की उम्र में ब्रेन ट्यूमर की वजह से उनका निधन हो गया था। इस फिल्म के एक और अहम किरदार निभाने वाले एक्टर सत्येन कप्पू भी इस दुनिया में नहीं रहे। 27 अक्टूबर साल 2007 में सत्येन कप्पू ये दुनिया छोड़कर चले गए।